नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपको नगर पालिका प्रशासन जिले के महामंत्री स्टेडियम सम्मानित बताते चले कि पार्टी के सभी विशाल सिंह की उपस्थिति खाद्य हितग्राही को निःशुल्क वितरण किया गया। आपको भी बताते चले कि नगर पालिका के अंतर्गत तीन उचित दुकानों में 911 सदस्यों के इस योजना के साथ जुड़कर और इस नाते में माननीय मंत्री जी आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। सरकार ने कोई आप पर एहसान नहीं किया, भाइयों बहनों, आपको निःशुल्क अनाज दे के आप पर कोई एहसान नहीं किया सरकार ने। ये बात हम लोग कर रहे हैं, ये जो चिंता की जा रही है वो आप ही लोगों के लिए की जा रही है। और हमने जो लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू के माध्यम से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया है वो आप सभी लोगों के सहयोग से संभव हो पाया है। जनता के सहयोग के बिना कोई भी अच्छा काम जो है वो कर पाना संभव नहीं है। तो पुनः मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगी, हमारे जिले में पिछले 2 दिनों में 3 कोरोना के केसेस जो हैं वो पाए गए हैं। अगर आप लोग सजग और आप लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें आने वाले दिनों में समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि अपने परिवार का, अपने स्वयं का, स्वास्थ्य का और सुरक्षा का ध्यान आप लोग रखें, बढ़ चढ़ कर अच्छे काम में हमारी मदद करें और कोरोना संक्रमण के रोकथाम में भी सहयोग करें। धन्यवाद। 10-10 किलो राशन देने जा रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पूर्व देश में एक ऐसी बीमारी फैली जिसकी जानकारी ना हमें था न आप लोगों को रहा, कोरोना। कोरोना का नाम ही लोग नहीं जानते थे कि कौन सा बीमारी है। और ऐसी बीमारी फैली जिसमें पूरे देश में 1 लाख से भी ज्यादा लोग उसमें उनकी मृत्यु हुई और धीरे धीरे वो बीमारी पूरे देश में फैलना चालू हुआ। पर हमें गर्व है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमने कोरोना जैसे बीमारी से आज निजात पा चुके हैं। परंतु ये मत भूलिए कि कोरोना भी नहीं है, कोरोना है। आज उसके लिए गाइडलाइंस तय किए गए हैं, मास्क का आवश्यक प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ये सब आप नहीं करेंगे ना तो आने वाले समय में कोरोना आपको हो सकता है। दूसरा, हम लोगों ने वैक्सीन की व्यवस्था किया, बहुत लोगों ने पहले ही प्रथम डोज लगा चुके हैं, उनको दूसरा डोज लगाना है इंजेक्शन का। अगर आप दूसरा डोज नहीं लगाएंगे तो कोई गारंटी नहीं, कोरोना हो सकता है, इसलिए दूसरा डोज भी आपको इंजेक्शन लगाना चाहिए। कोई अगर सोचे, और दूसरा डोज का मतलब ये है, दूसरा डोज समझ लो क्यों जरूरी है, अगर जो व्यक्ति दूसरा इंजेक्शन लगा लिया 2 बार, 1 बार और दूसरे बार, तो ये गारंटी है कि कोरोना से उसकी मृत्यु नहीं होगी, यहीं पे मिल रहा है। और अगर ये राशन में एक बात और सुन लीजिए, बहुत लोगों को नहीं मालूम, आज मैं पुनः बता रहा हूं, राशन कौन कौन व्यक्ति को मिल सकता है, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि क्या हमको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है।
तो मैं बता रहा हूं कि कौन कौन व्यक्ति राशन, ये निःशुल्क राशन प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं उनको राशन मिलेगा। पहला बीपीएल कार्डधारी, जिनके पास गरीबी रेखा के कार्ड है। दूसरा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये नहीं कि अनुसूचित जात के लोग या अनुसूचित जनजात के लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, वो चाहे कि हमको भी राशन मिले, ऐसा संभव नहीं। निःशुल्क राशन जो गरीबी रेखा के नीचे दो परिवार हैं उनको भी हम राशन देंगे। अनाथ आश्रम में रहने वाले जितने भाई बहने हैं, चाहे अनूपपुर में हो चाहे जहाँ भी अनाथालय हो, उनको भी राशन दिया जाएगा। केश शिल्पी का मतलब जो बाल काटने वाले लोग, केश सवारने वाले लोग हैं, परंतु गरीबी रेखा के नीचे में उनका नाम होना चाहिए। ये नहीं कि बड़े बड़े कौन सा आजकल वो पार्लर खोल लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं हमको भी मिले, संभव नहीं। जो नाई लोग हैं, गरीब हैं, उनको भी राशन मिल सकता है। गाड़ी चलाने वाला, पंजीयक वाहन लालन के पश्चात मंच के बाईं ओर से प्रवेश करना है और मंच के दाईं ओर से कृपया श्री संतोष कल्स, रामेश्वर प्रसाद, श्री लल्लोत्तर प्रसाद, श्री लगला कौल, सुश्री शांति सिंह, सुश्री सुंदरिया बाई। भैया सामने साठी मीडिया पे भैया मीडिया क्यों बोलवा, कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। सुश्री सुंदरिया बाई, ये लोग कृपया मंच पर आने कष्ट करेंगे। जिनका नाम यहाँ से पुकारा जा रहा है, सभी उपस्थित आए हैं। सभी को राशन के 10 किलो में सरकारी थैलों में दिया गया, 10 किलो और बाकी का खाद्यान्न उन्हें उचित मूल्य दुकान से दिलवाया जा रहा है। सर जिले में पात्र हितग्राही कितने हैं और कितने को लाभ मिला? जिले में पात्र हितग्राही 1,74,800 के लगभग है, जिनकी सदस्य संख्या 5,78,000 के लगभग है, जिन्हें कि हमारे यहाँ हर माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का खाद्यान्न AAY और BPL के श्रेणी में और NFS 27 जो श्रेणियाँ उनके हितग्राहियों को दिया जाता है। गरीब कल्याण योजना का जो चावल और गेहूँ प्रतिमा 5 किलो प्रति सदस्य के मान से उनको दिया जा रहा है। अनूपपुर जिले में अभी इस माह सितंबर का खाद्यान्न प्रारंभ और वितरण होना, आज अन्न उत्सव का दिनांक है 7 तारीख में, पूरे जिले में
अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। सभी दुकानें खोल के वितरण प्रारंभ है। यहाँ पर 2104 गिरिराजी परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है और माननीय खाद्य मंत्री जिला श्री गरीब अन्य किस तरह की व्यवस्था है कि नगर पालिका प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर जो पब्लिक पूरी आई थी वो सब देख रही है। मैं अपनी चीज़ को कितना भी अच्छा बोलूँगा तो वो नहीं, मेरे ख्याल से कि सब कुछ अच्छा था। आप भी थे वहाँ पर, आप भी हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझसे बुलवा रहे हैं, आप बताइए अगर कोई कमी हो। अच्छा, खाने पीने में थोड़ा बहुत जो ये सब थोड़ा बहुत गलतियां होती हैं तो ये माइनर है, मतलब कि पानी समय पर नहीं मिला है ना, दो दो ढाई ढाई हज़ार लोग थे, पर हम लोगों ने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं। कितनी पात्र उठाएँ तो इसका फायदा होगा, 2100 कुछ। ये पसान की बात कर रहे हैं या पूरे जिले की बात? मैं पसान की बात कर रहा हूँ, तीनों दुकानों में लगभग एक साथ हो चुका है या अभी? अभी वहाँ पर सब कोई अपना अपना स्टॉल लगाए थे और वहाँ पर बांट रहे थे, हम लोग खाना खिलाने आ गए तो वहाँ पर अभी कुछ लोग बाद में आए, जैसे सब बट बट दो चार होता ही है तो कुछ लोग आगे बोलने लगे हम अभी आए, अरे हम चले गए रहे घूमने तो हम लेट हो गए, भाई गलती है तो भोगना है। इस तरह का कार्यक्रम ये लगातार चलता रहेगा, सिर्फ आज ही गवर्नमेंट जाने की ये सरकार की पॉलिसी है, ये मोदी जी की और वहाँ से आया था निर्देश सभी जगहों पर हो रहा है तो हमको भी करना करेंगे, भगवान करे ऐसे हर महीने होते रहे सबको फ्री अनाज मिल सके। सर, अन्न उत्सव मनाया गया प्रधानमंत्री कल्याण गरीब योजना, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर, किस तरह से देखते हैं ये गरीब कल्याण योजना कार्यक्रम का गरीब कल्याण योजना है, गरीबों के लिए शासन ने चलाया है तो हमको लगता है कि गरीबों के हित में अच्छा काम हो रहा है और आज का कार्यक्रम माननीय खाद्य मंत्री जी के मुख्य अतिथि में आयोजित था, इसमें जिले के कलेक्टर महोदय भी उपस्थित थे और भी जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि। सर, ये जो कार्यक्रम हुआ है इसमें किस तरह के पात्रता लोगों के लिए अन्य अनुसूचित बंटवारा किया गया बांटा गया है? इसमें शासन ने जो पात्रता निर्धारित की है तो एक तो BPL है और 24 अन्य तरह के लोग हैं जिनको इसमें चिन्हित किया गया है निःशुल्क खाद्यान्न के लिए। तो ये प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया है या फिर वार्ड प्रशासन के निर्देश है, जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से उनका चयन होता है। नगर पालिका आप मंडल खुश भी हैं और यहाँ पे आज जो कार्यक्रम हुआ इसका आप मन संचालन भी आपने किया, किस तरह से आप इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छी योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया परम सम्माननीय शिवराज जी के द्वारा ये योजना का उद्घाटन किया गया। अन्न उत्सव हर उस गरीब के लिए, कोरोना काल में मेरे ख्याल से सबके सब टूट चुके थे, किसी को कोई भी यहाँ पे कोई एक रोशनी नज़र नहीं आ रही थी, तब माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये योजना लेके आई गई और जिसका लाभ समाज के उस तबके तक पहुँचा जो गरीबी रेखा के नीचे यापन करता है, जो रिक्शा चालक है, जो एक नाई की दुकान वाला है, मतलब गरीबी रेखा पर जो काम करने वाला है, जो जिनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया था, जो मजदूरी करना छोड़ दी थी, ऐसे लोगों के लिए ये योजना लेके आई। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। आपको क्या लग रहा है कि सरकार की जो ये योजना है उसे ये योजना जो है निश्चित तौर पे मैं धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री जी को और अपने मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने गरीबों को चिन्हित करके जो पार्टी की सोच है अंत्योदय तो जो व्यक्ति रह रहा है जिसको कोई देखने वाला नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को शासन ने चिन्हित करके राशन देने का काम किया, जिनके पास दो वक्त की दो दिन की रोटी की दिक्कत थी उनको सरकार ने मुफ्त में अपना अनाज देने का काम किया है। और उस अवसर पे अपने यहाँ के जो
मध्य प्रदेश शासन के जो कैबिनेट मंत्री हैं शाहूलाल सिंह जी, उनके माध्यम से ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र में बहुत बढ़िया कार्यक्रम ये हुआ कि जो गरीब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए उनको भरपेट भोजन, शानदार भोजन की व्यवस्था कराई गई और 2,000-2,500-3,000 लोगों ने यहाँ पर भोजन किया। ये कार्यक्रम बहुत सफलता बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। घर घर राशन, घर घर पोषण, इस कार्यक्रम से बहुत ही क्षेत्र को माने एक बल मिला है। भाजपा सरकार ने कई पदों पर रह चुके हैं, जिस तरह से कार्यक्रम आसान नगर पालिका ने जिले क्षेत्र में हुआ है उसको लेकर के जनता में किस तरह की खुशी की लहर देखी जा रही है? जनता तो पहली बार जो है देश आज़ादी से लेकर के वो महसूस करने लगी है कि जो सरकार है जो केंद्र में सरकार मोदी जी की है, प्रदेश में शिवराज जी की है और यहाँ हमारे नेता जमीन शाहूलाल जी हैं, तो ये जो सहयोग बना है ये अपने आप में मैंने कहा कि एक अच्छा सहयोग है और खुशी का अनुभव गरीब जनता अंत्योदय में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, जो दीन है, हीन है, पीड़ित है, शोषित है, गरीब है, ऐसे व्यक्तियों की जो चिंता हुई है उनको निःशुल्क अनाज की व्यवस्था, इससे वो बहुत प्रसन्नता महसूस कर रही है और पहली बार उनको ऐसा लगता है कि इस देश के सरकार ने हम गरीबों को भी सुध लिया और आने वाले समय में भी और अच्छा सरकार काम करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में भी और आवास के क्षेत्र में करी रही है, अन्य जो डेवलपमेंट के काम है चाहे सड़क के काम हो, बिजली के काम हो, अस्पताल के काम हो, सारे काम अच्छे काम हो रहे हैं। इसलिए अपने यहाँ की जो जनता है खासकर जो गरीब ही दीन ही जिनकी मैंने बात किया ये तो बहुत प्रसन्नता महसूस कर, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी प्रसन्नता के मुद्रा में है और हमें भी प्रसन्नता है और आप सब लोगों का इसी तरह सहयोग रहे हमारे यहाँ के जो खासकर ये नगर पालिका प्रशासन का कार्यक्रम है। नगर पालिका में हमारे जो संगठन के अध्यक्ष हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो अपने सत्ता में हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष बहन विमन जी हैं, उनके साथ जो पार्षद हैं, इन सब का काम जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम है, इसलिए जनता में उत्साह देखी जा रही है, आने वाले समय में और अच्छा करेंगे आप सब लोगों के सहयोग सब लोग मिलकर। प्रधानमंत्री कल्याण अन्य योजना है उसको लेकर के आप सरकार प्रधानमंत्री योजना को क्या कहना चाहेंगे? ये जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये गरीबों के लिए वरदान है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने गरीबों को सुध लिया और गरीबों को सुध लेकर के अनाज दे करके भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, सच्चे सेवक का यही है निशानी। अगर कोई सच्चा सेवक है, सच्चा प्रधान है, सच्चा सरकार है तो उसका पहला काम है भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना और निवस्त्र को जिसके वस्त्र नहीं हो उसको कपड़े की व्यवस्था करना, जो अशिक्षित है उसकी शिक्षा देना, जो पीड़ित है बीमार से ग्रसित है उसको दवाई कराना, सारी जो सुविधा है और ये सारी सुविधाओं पर सरकार अच्छा काम कर रही है। इसलिए सरकार के प्रति, मोदी जी के प्रति तो हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि मोदी जी बने रहें और अच्छा योजना लाते रहें और गरीबों का कल्याण करें। कल्याण योजना के तहत कितने दिनों तक ये लाभ मिलता रहेगा हितग्राहियों को? देखिए पूरे प्रदेश में आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में चल रहा है, कोरोना टाइम में 5 महीने तक मजदूर अपने कार्य करने नहीं पहुंच पाए शहरों में, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि 2 महीने का राशन दिल्ली सरकार और 3 महीने का राशन मध्य प्रदेश सरकार, तो ये 5 महीने का राशन दिया जा रहा है। अगले बार 10 किलो दिया गया, इस बार भी 10 किलो दिया गया, तो 5 किलो प्रति माह के हिसाब से राशन वितरण किया जा रहा है। लगभग जिले में अभी तक कितने लोगों को दे दिया गया इस योजना के तहत, कितने लोगों को राशन मिला है? 40 लाख 40 हज़ार करीब है हितग्राही। 40 लाख 40 हज़ार आज जो ये 4,90,000 लोगों को इसका लाभ मिल रहा है ये पूरे प्रदेश पूरे प्रदेश में। दूसरी गायत्री यादव, श्री राजेश।